अगर फ्रेंड्स आपके पास है वीवो का Y21Z और इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप बनाना चाहते हैं मल्टीपल अकाउंट्स के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस फोन में मल्टीपल अकाउंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको फ्रेंड्स आपके फोन की जो सेटिंग रहता है वो ओपन करना होगा, जिसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा क्रिएट करने के साथ साथ उनको डिलीट करना चाहते हैं तो उसको डिलीट कैसे कर पाएंगे और क्रिएट करने के साथ साथ उसको लॉक वगैरह आप कैसे सेट कर सकते हैं ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन कीजिए, स्क्रॉल करके लास्ट में आ जाइए, आपको सिस्टम देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है मल्टीपल यूजर्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो ऑनर रहता है आपका और एक आपका गेस्ट रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐड यूजर पर पहले क्लिक करना होगा एंड ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप यूजर का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर नाम वगैरह आप चेंज करना चाहें तो इसको नाम चेंज कर पाएंगे इस तरह से, और ओके कीजिए तो आपका यहाँ पर कुछ टाइम लेगा, जिसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि आपके जो मैसेज वगैरह रहेंगे और कॉल वगैरह रहेंगे वो आप दिखाना चाहते हैं उस वाले यूजर में, तो यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं, नहीं दिखाना चाहते तो सिंपली इसको बंद रहने दीजिए। जिसका आपको स्विच टू जो आपका यूजर है वो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा और स्टार सेटअप नाउ पर क्लिक कर देना होगा, तो आपका ये सेटअप होना शुरू हो जाएगा। तो आपका कंप्लीट सेटअप मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको ओपन कराएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको पहले स्क्रीन जो लॉक है वो आपको यहाँ पे इस तरह से अनलॉक कराना है, यूज नाउ पर पहले क्लिक करना होगा, जिसका आपको यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी वो एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए, फिर से टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, इस तरह से इनको एक्सेप्ट करते जाइए। सेटअप ऑफलाइन पे पहले क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे आगे और बढ़ जाना है, आपको मोर पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट कर देना है, जिसके बाद आपके यहाँ पे स्क्रीन लॉक वगैरह आ जाएगा सेट करने के लिए। अगर स्क्रीन लॉक सेट करना है तो लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट फेस और जो भी लॉक लगाना चाहें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट करने के बाद यूज नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका फ़ोन देख सकते हैं सेटअप यहाँ पर हो जाता है, मतलब दूसरा अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। अगर आप वापस वाले यूज़र में जाना चाहते हैं तो उसको जाने के लिए आपको कंट्रोल सेंटर इस तरह से ओपन करना पड़ेगा और आपको सेटिंग में चले जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका सिस्टम देखने को मिलेगा, आप सिस्टम पर क्लिक कीजिए, फिर से आपको यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपका जो यूजर रहता है ऑनर वाला आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करके स्विच टू यूजर पर क्लिक करेंगे तो आप वापस में उसी यूजर में चले जाएंगे जिसमें आप काम कर रहे थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में आप यूजर को बदल सकते हैं, मतलब यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला जो यूजर आपने क्रिएट किया था उसको डिलीट करना है तो उस पर ही आपको एक बार क्लिक करना होगा, जिसका आपको डिलीट यूजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करा के आप डिलीट कर दीजिए तो आपका यूजर डिलीट भी हो जाता है। तो